गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई साहब थोड़ी हालत खस्ता हो गई है। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ है। पिछले 3-4 वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने शिमला को एक्सप्लोर किया था, उसके बाद मैं आ गया था कसौल की साइड में। तो भाई साहब जो बस मिली थी मेरे को शिमला से भुंतर के लिए मिली थी, मनाली वाली जो बस होती है वो भुंतर तक आती है और भुंतर में आपको उतार देती है। तो उस बस ने मेरे को यहाँ पर उतार दिया सुबह 4 बजे। तो भाई सुबह 4 बजे से मैं दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ जो मेरे को ले जाए कसौल तक। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। फिर सुबह 6 बजे जब एक शॉप खुली तो एक अंकल जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 6:15 बजे बस आती है। वो बस बाईपास होकर निकल चुकी है, मनाली वाला एक हाईवे बन रहा है इसलिए वो मनाली वाले हाईवे से बाईपास ही निकल चुकी है। तो अंकल जी ने बताया, बोला थोड़ा सा आगे चले जाओ, जो सारी बसें हैं वो उस एक चौक बना हुआ है वहाँ पे जाके ही मिलती है, वहाँ पे आपको 100% बस मिलेगी। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये है पार्वती रिवर और उधर से आ रही है ब्यास रिवर, मतलब पार्वती और ब्यास रिवर का यहाँ पे संगम हो रहा है। और भाई साहब सर्दी बहुत तगड़ी वाली पड़ रही है। तो चलो आगे चल, पहले तो बस ली जाए उसके बाद बाकी चीज़ें। वैसे एक बात है, इससे आगे जो ट्रिप होगी ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, क्योंकि मैं हिमाचल के रिमोट एरियाज में आ चुका हूँ। पहले तो मैं शिमला में था, मेन सिटी था। आई थिंक वो जो अंकल जी थे ना शॉप वाले, उन्होंने इसी वाले चौक के लिए बोला था, क्योंकि जो हाईवे बन रहा है वो यहीं से बन रहा है। देखते हैं यहाँ से कोई बस आती है क्या, जैसे अब प्राइवेट बसें खड़ी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये मनाली जाएंगी, कसौल वाली बसें नहीं है ये मनाली जाएंगी। वेट करते हैं कोई कसौल वाली बस आती तो। जाने को मैं टैक्सी से भी जा सकता था, लेकिन भाई साहब टैक्सी 1200 रुपये लेती है और यहाँ से कसौल सिर्फ 30 किलोमीटर से भी कम है, 28 किलोमीटर के आसपास है। 32 तो यहाँ से मणिकर्णी है, तो कसौल तो उसे 5 किलोमीटर पहले और है। इवन जो बस का जो फेयर है ना वो भी 100 रुपये है, मतलब 30 किलोमीटर के लिए 100 रुपये। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहाड़ी एरिया है हो सकता है यहाँ पे हो, अदरवाइज़ मैंने कहीं और 30 किलोमीटर के लिए कभी भी 100 रुपये पे नहीं किया बस में। मुझे लगता है आज का मेरा दिन ही ख़राब है। सुबह 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग में बस ने उतार दिया, फिर भाई 2 घंटे वहाँ पे भुंतर पर खड़ा रहा, और उसके बाद वहाँ पे बस नहीं मिली। फिर एक कैब वाले भाई ने बोला चलो 100 रुपये दे दो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो उन्होंने मेरे को कसौल छोड़ दिया 100 रुपये लेके। अब मैं यहाँ पर बहुत देर से हॉस्टल ढूँढ रहा था, तो भाई साहब यहाँ पर गिनती के 2 हॉस्टल हैं, उसमें से एक तो अभी ये जो दिख रहा है ना आपको पीछे, बहुत मुश्किल से तो ये ढूंढा था, और अब वहाँ पे जाके पता चला है कि भाई साहब यहाँ पे खाली नहीं है। अब इन्होंने बताया कि आगे वो है, वहाँ पे जाके पता करो वहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं उस हॉस्टल का नाम जो भाई ने बताया था, आई लव कसौल था उसका नाम, और इसका नाम हॉस्टलर शायद कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो देखते हैं क्या सीन बैठता है। और भाई ये तो हॉस्टल का जुगाड़ तो नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं बात क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हॉस्टल हैं और दोनों ही फुल हो चुके हैं, ज़्यादातर क्या है उनकी ऑनलाइन बुकिंग है, और तो होटल्स तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं दिन में यहाँ पे
इसको एक्सप्लोर कर लूँगा, उसके बाद शाम को मनाली चला जाऊँगा। शाम को मनाली जाके वहीं पे स्टे कर लूँगा, ये ठीक रहेगा। फिर कल मनाली को एक्सप्लोर कर लूँगा, उसके बाद आगे की ट्रिप को करेंगे, ये सोच। तो भाई साहब ये है कसोल का नेचर पार्क, और यहाँ पे एंट्री फीस भी है 30 रुपीज़ पर पर्सन। ये 9 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो जी देखो ये ले लिया है टिकट 30 रुपीज़ का, और अंदर जाके देखते हैं क्या क्या सीन है। वैसे तो इधर मुझे लग रहा है यहाँ पे थीम पार्क जैसा है, कुछ चीज़ें हैं देखने लायक ठीक ठाक। हेलो करो, तो नेचर पार्क से तो बाहर आ गया, लेकिन वो जो ब्रिज है ना उसको शायद कसोल ब्रिज बोलते हैं, उसका रास्ता देखना है क्योंकि वहां से बढ़िया सीन आएगा, क्योंकि दोनों नदियां मिल रही हैं उधर। और मैं भी आपको एक सीन दिखाता हूँ, देखो सामने वो सामने वाला जो पहाड़ है ना, उस पर अब भी बर्फ़ जमी हुई है और सारों से पिघल गई, लेकिन उस पर जमी हुई है। तो कसोल ब्रिज का रास्ता ढूंढना है, इधर से है शायद, इधर से। वो जो दूसरा वाला मेन ब्रिज है ना, जहाँ से व्हीकल आते हैं, सारे लोग आते हैं, जो इसका मिड पॉइंट है आई थिंक कसोल का, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने मैप में देखा था, दोनों के बीच में, दोनों साइड कसोल है और बीच में वो ब्रिज है, तो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ही समझ लो उसको इसका। तो उसके थोड़ा सा आगे एक गली सी से होके आपको अंदर आना है, और आप आ जाओगे इधर की साइड में, कसोल ब्रिज साइड में। और भाई पार्क में तो मत ही जाना, क्योंकि कुछ है नहीं है वहाँ पे ज़्यादा इन्जॉय करने लायक। तो जी ये है कसोल ब्रिज, और यहाँ से बढ़िया सीन लगेगा, ये देखो यहाँ से बढ़िया लग रहा है भाई, इधर वाला सीन भी ना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, और इधर का भी बढ़िया दिख रहा है, ये देखो। और ये पानी की जो आवाज़ आ रही है ना, कितनी बढ़िया लगती है ना, मतलब ये चुभती नहीं है, है? अंटे कपड़े भी धो रही हैं भाई यहाँ पे, लोग नहा भी रहे हैं। और किधर से है सीन इधर जाने का, मैं देखता हूँ इधर से कहीं नीचे जाने का सीन, ये रहा साइड, ये रहा यहीं से है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये हैं सीढ़ियाँ, और इनसे चलते हैं नीचे। और भाई साहब पानी देख रहे हो, बिल्कुल क्लीन। ओ भाई ठंडा भी नहीं है पानी, लेकिन ये तो गर्म पानी है बिल्कुल से, इसमें आप नहा भी सकते हो बड़े आसानी से। अच्छा ये ब्रिज गधों के पार करने का भी है, मैं सोच रहा है इंसानों का है। जगह तो एक नंबर है भाई, पत्थरों पर थोड़ी सावधानी से चले, अदरवाइज सीधी खोपड़ी फूटेगी और टाके लगेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा होगा। और ये यहाँ से देखो सीन, नदी के पास चलते हैं, फिसलन हो रही है इन पत्थरों पे,
तो आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये पानी ठंडा है, ये बिल्कुल बर्फ जैसा पानी है भाई। वो तो वो जो पानी है ना जो गर्म हो रहा है वो सोतों से आ रहा है, वो नदी का पानी नहीं है, वो सोतों का पानी है। ये तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी है बिल्कुल। कैंपिंग करना चाहे ना, खुद का टेंट लाए, खुद का सारा सामान लाए कैंपिंग वाला, तो बहुत बढ़िया जगह है। देखो यहाँ पे प्लेन एरिया भी है यहाँ पे, तो कैंपिंग के लिए तो परफेक्ट प्लेस है ये। काश तो मेरे पास अभी टेंट होता तो मैं कैंपिंग करता यहाँ पे, लेकिन मैं टेंट लेके नहीं आया अपना। कोई नहीं, ऐसे ही इंजॉय कर लेते। तो ये है गर्म पानी का सोता, देखो एक्चुअली में एक कुंड है, सोता थोड़ा सा आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पानी देखो, ये इधर से आ रहा है, ये पूरा इधर से आ रहा है, और ये है इसका मुख्य स्रोत, यहाँ से आ रहा है गर्म पानी। ओ भाई बहुत गर्म है, बहुत, मतलब गीजर भी नहीं करता इतना गर्म। तो यार जितना पानी गैस पे गर्म होता है ना उतना गर्म पानी है। और ऐसे कई सोते हैं यहाँ पे, मतलब पहाड़ के अंदर से जो पानी आता है ना वो गर्म निकलता है। देखो इधर भी है, इधर भी आ रहा है अंदर से, ये वाला तो कुंड से ही आ रहा है, वो टैंक जैसा छोटा बना रखा है, जो सीमेंट का बना रखा है उससे आ रहा है ये वाला तो। और वो वाला जो है ना वो सोता है, और देखो ये भी सोता है। यहाँ पे बहुत सारे सोते हैं जिनसे गर्म पानी आता रहता है, और